राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। जिले के पथरिया थाना अंतर्गत दमो पथरिया मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में रीवा में पदस्थ पथरिया निवासी पटवारी की मौत हो जाने का दुखद घटनाक्रम सामने आया है। मामले की जानकारी के मुताबिक पथरिया के वार्ड नंबर 12 निवासी आदित्य सोनी, जो कि रीवा में पटवारी के पद पर पदस्थ हैं, अपने पिता को देख रहे थे। इसी दौरान खोजाखेड़ी के पास कोपरा नदी में उनकी बलेनो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना करीब रात 11 बजे की बताई जा रही है। वहीं सुबह जब गांव वालों ने नदी में कार पड़ी हुई देखी तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी लगते ही देहात थाना प्रभारी आनंद सिंह ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी अभिषेक तिवारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। बनेनो कार को खोलकर देखा गया तो उसमें आदित्य सोनी मृत हालत में पड़े मिले। पुलिस ने सबका पंचनामा कार्रवाई कराकर सब पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खोजा खेड़ी नदी पुल के पास एक गाड़ी जो है वो डूबी हुई दिखाई दे रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम, होमगार्ड की रेस्क्यू टीम और क्रेन के साथ इस गाड़ी को तत्काल निकाला गया। एक व्यक्ति गाड़ी में, जिसका नाम आदित्य सोनी, जो कि रीवा में पटवारी के रूप में पदस्थ थे, जिनका निज निवास पथरिया था, वो कल रीवा से अपने निज निवास पथरिया आ रहे थे। देर रात्रि में संभवतः जो परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से जो है यह घटना हुई। प्रकरण में मर्ग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच पश्चात आगे की विधिवत कार्रवाई।